हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आए। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी अपनी रहेगी बिहारी बिहारी का जी बिहारी जी का जीवन परिचय बिल्कुल शॉर्ट में जानेंगे और लास्ट तक वीडियो बने रहिए। जैसे कि जैसे मैंने आपको पीला कलर दिख रखा है, मैं वो ही याद करना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको याद करने की कोशिश करता हूँ, कराने की कोशिश करता हूँ। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी बिल्कुल शॉर्ट में बिहारी जी का जीवन परिचय याद हो जाए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहारी जी का जीवन परिचय इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो मैंने ज़्यादा आता है सारी की सारी नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, केवल तीन याद कर लेना। देखिए, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये तीनों के याद कर लेना। तीन में से फंस जाएगा, कोई जरूरी नहीं होगी ज़्यादा कुछ याद करने के लिए। फिर भी मैं आपको एक एक जीवन परिचय अब अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार आपको कुछ कोशिश नाकाम नहीं होनी चाहिए। आपके दिल में आ रहा है जी बिहारी जी का जीवन परिचय को याद करने के लिए, तो वो भी मैं कराऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं जीवन परिचय याद करने बिहारी जी का। देखिए, बात करें जीवन परिचय, तो रीतिकाल के कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। कैसे थे? जो रीतिकाल के कवि बिहारी जी थे वो श्रृंगार रस के भी कवि थे, ठीक है। उनका जन्म 603 में ग्वालियर के निकट वशुवा गोविंदपुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम केशव राय था। उन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। मथुरा का क्या माना जाता था? चौबे ब्राह्मण माना जाता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वामी नरहरिदास के संस्कृत और प्राकृतिक आदि अध्ययन किया थे। नरहरिदास से क्या हुआ? उन्होंने नरहरिदास से सीखे थे, जो गुरु थे नरहरिदास, उनसे सीखे थे कि संस्कृत, प्राकृति आदि भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया। और उसके बाद में जो बिहारी जी थे, उन्होंने क्या किया कि मुगल बादशाह शाहजहाँ, जो शाहजहाँ थे, मुगल बादशाह शाहजहाँ के उसके बाद में उन्होंने जब निमंत्रण किया था बिहारी जी को, तो वो आगरा चले गए थे, ठीक है। उसके बाद में जयपुर के राजा जो राजा जयसिंह थे, ठीक है, जयपुर के राजा जयसिंह के जो दरबारी कवि हो गए थे, ठीक है, दरबारी कवि बन गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो राजा जयसिंह थे वो अपनी बीबी के प्रेम जाल में फंस गए थे। बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे किसी से और वो लड़की से, उसके बाद प्रेम जाल में फंस गए, वो अपना सब कुछ त्याग बैठे थे, ठीक है, मतलब कि अपना जो राजपाट भी सब त्याग बैठे थे। तो इसलिए बिहारी जी ने उनके लिए दोहा लिखा था। वो दोहा ये है, देखिए ये वाला दोहा उन्होंने लिखा था। दोहा लिखने के बाद में जैसे नहीं पारक, ठीक है, नहीं माथुर माधु, ठीक है, नहीं और ना ही विकासु इन्हीं काल, अली 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 कली हो ही सो बंधियो आगे कौन सवाल, ठीक है। जब दोहा पढ़ा था राजा जयसिंह ने, तो उनके होश उड़ गए। फिर उन्होंने जो प्यार करते थे, जिस किसी लड़की के पीछे पागल थे प्रेम में, उनको फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर जयसिंह राजा की जो प्रेरणा पाकर बिहारी जी सुंदर दोहे रचना करते थे, ठीक है, रचना करते थे, और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे, एक सोने की मुद्रा प्राप्त करते थे प्रत्येक, और वो कौन देता था? राजा जयसिंह देता था। उसके बाद में पत्नी की मृत्यु के बाद, जब उनकी मतलब कि बिहारी जी की जब पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो सारंगी कवि बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य हो गया था, ठीक है, की ओर मुड़ गया था, वैराग्य की ओर मुड़ गया था। और 723 दोहे की सतसई, मतलब सतसई बिहारी सतसई, जिसमें 700 कितने थे 723 दोहे थे, और उन्होंने एक रचना की बिहारी सतसई नाम से, और उसमें 723 दोहे थे। और उनकी मृत्यु उनके 1962 में समाप्त हो गई मानी जाती है। जो बिहारी सतसई जो रचना थी वो 1662 में समाप्त हो गई थी, और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो इनकी रचना थी वो थी बिहारी सतसई, जिनमें कितने दोहे थे? 723। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगली वीडियो में दोस्तों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।